हेलो फ्रेंड्स, आज हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका एमएससी फर्स्ट सेमिस्टर का और सेकंड सेमिस्टर का प्रैक्टिकल कोर्स को कवर करती है। जैसा कि हम जानते हैं, एनालिसिस दो तरीके के होते हैं केमिस्ट्री में, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। दो तरीके की एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम किसी भी चीज की क्वांटिटी को नापते हैं और क्वालिटेटिव में हम किसी भी चीज की क्वालिटी को नापते हैं। ठीक है, तो क्वालिटी मींस, केमिस्ट्री में क्वालिटी का मतलब होगा कि वो किस किस चीज से मिलकर बनी हुई होती है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें कौन कौन सी मेटल प्रेजेंट है। जो मेटल प्रेजेंट होती है उसकी क्वालिटी उसमें आ जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव होती है जिसमें कि हम क्वालिटी को नहीं नाप के किसको नापते हैं, क्वांटिटी को नापते हैं, और ये क्वांटिटी जनरली वॉल्यूम के रूप में नापी जाती है। ठीक है, तो किसकी, जब वॉल्यूम हम देखेंगे तो वॉल्यूम किसकी होगी, लिक्विड्स की होगी। और इस क्वांटिटेटिव में जब हम वॉल्यूम नापते हैं तो वो हमारी कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, तो आज हम इस वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि जिसमें कि लिक्विड्स की वॉल्यूम को नापा जाता है। ठीक है, अब हम ये कहेंगे कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, इसके क्या एडवांटेज है। इसका जो सबसे पहला एडवांटेज है, वैसे इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, लेकिन इसके जो मेन एडवांटेज है वो क्या है, इसके कुछ इस वाले एनालिसिस में हम कुछ लेवरियस जो एनालिसिस होते हैं उनसे बच जाते हैं। जैसे कि प्रेसिपिटेशन हमको नहीं करना पड़ता, इसमें हमको फिल्ट्रेशन नहीं करना पड़ता, इसमें हमको जब प्रेसिपिटेशन नहीं होता तो उसको हमको सुखाना भी नहीं पड़ता है और इग्नाइट भी नहीं करना पड़ता है। पहली तो हमारा क्या होता है, बहुत सारा समय बच जाता है। दूसरा जो हमारा इसका वो है कि ये कैसे होते हैं, ये रैपिड होते हैं, बहुत जल्दी हमको इसका रिजल्ट मिल जाता है और कंपैरेटिवली क्या होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। तो दो बातें हैं जिसके कारण कि हम इनको पढ़ते हैं। पहला तो है कि हम बहुत सारे जो टीडियस एक्सपेरिमेंट होते हैं उनसे बच जाते हैं, दूसरे ये एक्यूरेट होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक में हम हमेशा दो लिक्विड्स लेते हैं और उन दो लिक्विड्स को एक दूसरे से इंटरैक्ट कराते हैं। इंटरैक्ट कराने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस का मेन जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, टाइट्रेशन। इस टाइट्रेशन में क्या होता है कि इसमें दो सॉल्यूशन जो होते हैं वो उनको हम आपस में रिएक्ट कराते हैं, और जिस फ्लास्क में हम रिएक्ट कराते हैं उसको हम कहते हैं टाइट्रेशन फ्लास्क। तो टाइट्रेशन फ्लास्क में हम दो लिक्विड्स को आपस में रिएक्ट कराते हैं। इसमें से एक जो सॉल्यूशन होता है वो तो हम लेते हैं ब्यूरेट में और दूसरे को हम लेते हैं फ्लास्क में। वो फ्लास्क हमारा कौन सा होता है, कॉनिकल फ्लास्क। तो जो दो रिएक्शन हम जिस टाइट्रेशन फ्लास्क में कराते हैं उसमें से एक को तो हम किस में लेते हैं, ब्यूरेट में लेते हैं, और दूसरे को हम किस में लेते हैं, कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम एक सॉल्यूशन को ब्यूरेट के थ्रू मिलाते हैं, किसमें, कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन में मिलाते हैं। ठीक है, और क्या होता है, जैसे ही ब्यूरेट वाले सॉल्यूशन का रिएक्शन कॉनिकल फ्लास्क से होता है, जब तक इनका रिएक्शन चलता रहता है हम मिलाते रहते हैं, जैसे ही रिएक्शन खत्म होता है
हम उसको मिलाना बंद कर देते हैं, तो हम क्या कहेंगे कि एक सॉल्यूशन जो कि हम ब्यूरेट से डाल रहे थे उसको कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन से पूरा रिएक्ट करवाने में जितनी वॉल्यूम खर्च हुई हम उसको नापते हैं, और इस जो वॉल्यूम नापते हैं उस एनालिसिस को हम क्या लेते हैं, टाइट्रेशन। तो हम क्या कहेंगे, इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको, उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम टाइट्रेंट भी कह सकते हैं, जो कि किस में लिया जाता है, कॉनिकल फ्लास्क में लिया जाता है। ठीक है, रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विद अ नोन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अंडर एनालिसिस। Is known as titration। मतलब हम क्या करते हैं, conical flask में हम known volume लेते हैं solution की। ठीक है, उस known solution में हम क्या करते हैं, ब्यूरेट से हम दूसरा solution मिलाते जाते हैं, और जैसे ही ब्यूरेट वाले solution का जब reaction complete हो जाता है किसके साथ, कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन के साथ जो कि नॉन वॉल्यूम है, तो उसको हम क्या कहेंगे, हमारा एंड पॉइंट आ गया। तो हमारा जो कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है वो तो हमारा क्या है, नॉन वॉल्यूम है, और हम ब्यूरेट से जो ऐड कर रहे हैं वो हमारा कौन सा सॉल्यूशन हो गया, वो हमें सॉल्यूशन वो है जो कि हमें रिक्वायर्ड है उस कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन को के जो सॉल्यूशन है उसको कम्प्लीटली रिएक्ट करने के लिए। ठीक है, और वो पॉइंट जिस पे कि ब्यूरेट का सॉल्यूशन और कॉनिकल फ्लास्क का सॉल्यूशन जहां पे बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट हम किसको कहेंगे, एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट एट विच ए रिएक्शन इज कंप्लीटेड ड्यूरिंग टाइट्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, एंड पॉइंट, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इक्विवेलेंस पॉइंट भी कह सकते हैं। इस एंड पॉइंट को यानी हम ब्यूरेट को जब हम कॉनिकल फ्लास्क वाले सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन पूरा हो गया। ये रिएक्शन पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंस दिखना चाहिए, जैसे उसका कलर चेंज हो जाएगा या उसका कलर डिसअपीयर हो जाएगा, तो ये अपने आप नहीं होगा। इसको हम एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं, वो केमिकल हमारा कहलाते हैं इंडिकेटर। तो इंडिकेटर क्या है, विच इंडिकेट द एंड पॉइंट। हर रिएक्शन के लिए ये इंडिकेटर अलग अलग होता है। अब हमें इसके कंडीशंस क्या है, हम
वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि इसमें रिएक्शन बहुत फास्ट होता है। तो बहुत फास्ट होने के कारण क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, इसलिए हम इसमें अधिकतर कौन से लेते हैं, आयनिक रिएक्शन लेते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है कि हमारा जो रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में हमें पूरा पता होना चाहिए, उसके केमिकल इक्वेशन हमें पूरी पता होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा हमारा क्या होता है कि जो इसका एंड पॉइंट होता है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए। यदि एंड पॉइंट वेल डिफाइंड नहीं होगा तो हमें उसका रिएक्शन कंप्लीट होने का पता नहीं चलेगा। तो ये तो हमारी हो गई कंडीशन। अब हमारे इसमें टर्म्स क्या क्या आती हैं? टर्म्स आती हैं हमारी जो कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में मेन वो जो होती हैं, टर्म्स जो होती हैं, उसमें सबसे पहली होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी हम जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये हमें पता होना चाहिए कि जो नॉन वॉल्यूम हम ले रहे हैं यानी जो हम कॉनिकल फ्लास्क में ले रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। वो जो स्ट्रेंथ है वो हम कहते हैं कि किसी भी सब्सटेंस का वो अमाउंट जो एक लीटर में डिसॉल्व होता है, और उसको यदि हम ग्राम से में रिप्रेजेंट करें तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस डिसॉल्व इन वन लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, इन वन लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन when expressed in grams, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए हमारा यदि 6 ग्राम यदि सब्सटेंस है, ठीक है, और वो हमारा 1000 ml में यानी कि 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो हम क्या कहेंगे, इसकी स्ट्रेंथ होगी 6 ग्राम पर लीटर। ठीक है, आ गया आपको समझ में। दूसरा हमारा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हमारे क्या होते हैं जिसकी हमें स्ट्रेंथ मालूम होती है। जैसे कि हमने कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन लिया है, मान लीजिए वो n/10 का है, n/20 का है, n/25 का है, उसकी स्ट्रेंथ हमें मालूम होगी, वो हमारा कहलाएगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। और इसको हम जर्नली करते हैं ग्राम इक्विलेंट पर लीटर। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को हम किस में लेते हैं, ग्राम इक्विलेंट पर लीटर में हम लेते हैं। ठीक है, अब हमारा आता है यदि ऐसा सॉल्यूशन जिसके की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है, 1 ग्राम इक्विलेंट ऑफ द सब्सटेंस। यदि हमारा सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विलेंट हमारा किस में डिसॉल्व है, 1 लीटर में यदि डिसॉल्व है तो हम उसको क्या कह देते हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन।
ठीक है। तो नॉर्मल सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? नॉर्मल सॉल्यूशन वो होगा यदि हमारा कोई सब्सटेंस 1 ग्राम इक्विवेलेंट का है जो कि 1 लीटर में डिसॉल्व है, तो वो हमारा कहलाता है नॉर्मल सॉल्यूशन, ठीक है। फिर तीसरा हमारा है नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो हमारी कहलाती है नंबर ऑफ ग्राम्स इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू स्ट्रेंथ इन ग्राम्स पर लीटर डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो हमारी नॉर्मेलिटी क्या हो गई? यदि हमारा कोई भी सब्सटेंस जो कि ग्राम्स पर लीटर में है, यानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सॉल्यूशन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तीसरी हमारी आती है इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट हमारा क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट जो होता है हमारा, वो हमारा जो रिएक्शन है, टाइप ऑफ द रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एसिड ये किस किस के बराबर होता है? मॉलिकुलर वेट ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। फॉर बेस क्या होगा हमारा? फॉर बेस होगा हमारा मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस, यानी जो हमने बेस लिया है उसका मॉलिकुलर वेट कितना है, है ना। और ये होगा हमारा नंबर ऑफ एच आयंस विच रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस और मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस अपॉन, जिसको हम कह सकते हैं एसिडिटी, यानी मॉलिकुलर वेट ऑफ बेस। उसके बाद हम उसको डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन से डिवाइड करेंगे जो कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ बेस से रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी कुछ टर्म्स हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइटेशन में इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? ऑक्सीडेशन रिडक्शन टाइट्रेशन, इसमें हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वो होगा हमारा मॉलिकुलर वेट अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लूज पर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज करेगा। तो हम क्या कह सकते हैं? इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट पर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, पर मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। तो जब भी हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते समय हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात तो स्ट्रेंथ क्या है सॉल्यूशन की? हमारा जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बना हुआ है वो हमारा किस स्टैंडर्ड का है?
ठीक है, हमारा जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मेलिटी कितनी है और हमारा इक्विवेलेंट वेट कितना है। यदि ये सब चीजें हमें मालूम है तो फिर हम वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना है। उम्मीद है कि आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में जो मेन टर्म है वो समझ में आई होंगी। रेस्ट हम आगे के लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।